Welcome to Time News Studios. You are watching 1 p.m. Bulletin. बावजूद के इलेक्ट्रिक 48 कलाकन अंदर लोड शेडिंग खत्म करने में नाकाम, पीटीआई के इलेक्ट्रिक के टिन हिस्सन में विरहण जो मुतालबो कर छो। ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ए बेन पीटीआई अगवाण चवण है तो के इलेक्ट्रिक के बिजली की पैदावार, बिजली की विर्च ए बिल्स उगाड़ी के हवाले से टिन हिस्सन में विरायो वे, के इलेक्ट्रिक में नेशनल ग्रिड में बिजली हासिल कर अहलियत ना है, उन जाए ते का नई कंपनी आंदी वे, ओवर बिलिंग खत्म करे, कराची के शहर के बिजली की फरहमी यकीनी बढ़ाने जो भी मुतालबो। पीटीआई तरफा ओवर बिलिंग ए लोड शेडिंग खत्म न थियण की सूरत में सुभाने के इलेक्ट्रिक जी ऑफिस आडो धरने जो चिता। कल रात से शुरू होके फिर अगले दो दिन भी रहेगा, 7 और 8 तारीख को भी लड़काना और उसमें खासकर सखर डिवीजन में उधर गोकी वोकी साइड पे इम्कान है कि आज शाम या रात में वहां पर बारिश हो जाएगी आंधी वांधी के साथ, और इसी तरह दादू के एरिया में भी हो जाएगी। मॉनसून का जो स्पेल है, पहला वो थरपारकर में आज रात किसी वक्त मतवक्के है कोई बारिश, थरपारकर, मीरपुर खास, बदीन, ठट्ठा, कराची, हैदराबाद, इन सब इलाकों में दरमियानी इंटेंसिटी की बारिश होगी, मॉडरेट जिसे हम कहते हैं, लेकिन किसी किसी जगह पे हैवी स्पेल्स भी हो सकते हैं। तो थरपारकर में उम्मीद है कि अच्छी बारिश हो जाएगी। लाड़काणो, सखर, घोटकी ए दादू में अज रात का चौमासे की बरसात का इम्कान। मौसमियात खाते अज का 8 जुलाई तीन जारी रहंदर बरसात दौरान कराची, ठट्ठो, हैदराबाद ए बदीन में शहरी बोर्ड जो खदशो भी जाहिर कर छो। डायरेक्टर मौसमियात सरदार सरफराज टाइम न्यूज से गलाइंदे है तो कराची, थरपारकर, मीरपुर खास, ठट्ठो ए आसपास पर इलाक में सुभाने का तेज हवाओं से बरसात पैजी सके थी, किथे हल्की तो किथे मिट्टी के तूफान से गड तेज बरसात पवंदी जैखा पोए गर्मी जो जोर टुटी वेंदो। कराची, हैदराबाद, सखर, दादू ए बेन शहर के इंतजामिया बरसात के मुंह डण लाए अगवाट उपाव न वरता। शहरन जो चवण है तो नालन की सफाई न थियण सबब बरसाती पानी एक भेरों बीहर रस्तन से बीजी वेंदो। इंतजामी सुस्ती के नतीजे में फौरी तौर पर नुकसान थींदो, फौरी तौर नाला साफ कराया वन। जेके बेचा इलाक है तुम दसो जे एचयूसूं उन्होंने सभी में बरसात के करो आज पानी ओतरो पानी जो बिछल रो है जैसे कर मे तमाम घनी तकलीफ थी है। 2010 में जो नाला ठाया वह जो बरसाती पानी जो निकाल कर उनकी गलत प्लानिंग के कर नाला हुआ किरण की लागत सा टाया असा वट दादू शहर में सिटी में 250 नयी कॉलोनी तमीर थी जिनमें न को ड्रेनेज सिस्टम आ न को उनमें को नालो ठहो न को उनमें नाली आ न को गटर आ पुराने नाले की हालत यहाँ लगी पी वक्तन ब वक्तन जो नालू उथरन थी हिमल बिशाणी पाड़ो बिहार के इलाका उ पानी की लपेट में अच्छी वजन अगर जो बरसात वसूँ तो इन बारे में चाहूँ तक शहर बोर्ड की सूरत इख्तियार कर वो। पनवाखिल के चूंगा चौक से दस्ती बम हमले के नतीजे में नौजवान मोहकमुद्दीन महर जख्मी, मोटरसाइकिल सवार हथियारबंद दस्ती बम उछले फरार थी वया। जख्मी नौजवान अस्पताल मुंतकिल, अखि निठन शाहिदन जो चवण है तो दस्ती बम हमले में कानून लागू कदड़ इदारन की गाड़ी के निशानों बनाया वो। पुलिस इलाके के कड़ो चाड़े जांच शुरू कर छड़ी, वाके बारे हंध वटा शाहिदू भी गड कई व्यू, बम डिस्पोजल स्क्वाड भी तलब। परदेही वजीर शाह महमूद कुरैशी जो चवण है तो रखड़ पंजाब लाए इंतजामी कदमन में मुल्तान के नज़रअंदाज न कयो वेंदो। मुल्तान में फाल सेक्रेटेरिएट होंदो जिते एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हफ्ते में 3 दिन वेही कारोबार हलाइंदो। ट्विट बयान में शाह महमूद कुरैशी जो चवण है तो पीटीआई रखड़ पंजाब के अवाम के सदन दरन तई सहूलतूँ पहुँचाण वाले मंशूर में गैरमामूली अघ भराई कई है। सिंध में कोरोना की मकामी मुंतकिलन जा केस तेजी से सामू अचण लगा। मीरपुर खास में कोरोना जो शकी डॉक्टर जहीर शेख फौत, जिले में 36 नवा केस जाहिर। सखर में कोरोना जा वधिक 95 केस सामू आया। नवाबशाह में वधिक 43 जणा कोरोना में मुब्तला। सिंझोरो तालके में बिन लेडी डॉक्टर्स ए सेहत खाते के 11 मुलाजमन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव अची वही। पनवाखिल में 10 जणा कोरोना वायरस जो शिकार। छाछरो डाहली तालकन में कोरोना जा वधिक 10 केस सामू आया। मीरपुर साकरो में तालके अस्पताल के टिन मुलाजमन के कोरोना वायरस होने की तस्दीक थी।
मुल्क में कातिल वायरस कोरोना हेल तीन 4712 मानून का हयातियों खसे वरतियों मुतासर जो अंग बलख 28474 थी वो सिंध में मुतासर जो अंग 92306 पंजाब में 81317 खैबर पख्तूनख्वा में 27843 बलोचिस्तान में 10768 इस्लामाबाद में 13409 गिलगित बल्तिस्तान में 1545 आज़ाद कश्मीर में 1288 थी वो मुल्क में 1,29,830 मरीज सेहतयाब पिण थे। सिंध में कणक खरीदारी जो मुद्दों पूरो थियण बाद जिले सतह से टारगेट पूरो थियण के हवाले से तफसील तलब खुराक खाते रीजनल डिप्टी डायरेक्टर्स के खत लिखी कणक जो टारगेट पूरो थियण या न थियण बाबत तफसील पेश करण की हिदायत कर छी। खत में 10 जुलाई तीन तफसील दियण की हिदायत कदे है तो कणक खरीदारी लाए अदायगिन सूदों बियं घुर्जू 15 जुलाई तीन पूरी कई वेंद। मुल्क के अगूणे वजीर आजम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जमहूरी हुकूमत जो तख्तो ऊंदो करण वाले गैर आइनी अमल के 43 साल मुकम्मल थी वया। अगूणे आमिर जनरल रिटायर्ड जियाउल हक पारा 5 जुलाई 1977 में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत खत्म करे मुल्क में मार्शल लॉ लागू किया वो हो। पीपल्स पार्टी तरफा जमहूरी हुकूमत जो तख्तो ऊंदो थियण खिलाफ अज कारो ढी मल्हाए पे वे। दादू मीरपुर माथेलो नौशरो फिरोज मोरो मेहड़ ए बन शहर में पीपी कारकुनन तरफा रैलीस कढ़ी हैं। अरिणी तरमीम से हथचु रांद जो मतलब वफाक से हमलो हों। अगूणे सदर आसिफ जरदारी जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत जो तख्तो ऊंदो करे गैर आइनी अमल के 43 साल मुकम्मल थियण से बयान। आसिफ जरदारी जो चवण है तो पार्लियामेंट सुप्रीम इदारो है उनको एहतराम करण सभी इदारन जो आइनी फर्ज है। पीपल्स पार्टी अज बे आइन जमहूरियत पार्लियामानी उसूलन से कायम है। बिलावल भुट्टो जरदारी बन पारा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के भेटा पेश। दरगाह हज़रत लाल शहबाज कलंदर के सजादा नशीन सैयद हाजन शाह लखियारी की जनाज़े नमाज अदा कई वही वे अंग में मुरीदन की शिरकत। शिया उलमा काउंसिल सिंध में हाजन सैयद हाजन शाह लखियारी के लाडाने से 2 दिन सोग जो ऐलान कर छो। सैयद हाजन शाह लखियारी फिफड़न की तकलीफ सबब अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिस में दाखिल हो जिते गुजल रात दम धड़ी हवाले कर। खाणोट भरसा लाखड़ा कोल माइंस में कोयले की खोटराई दौरान छिप किरण सबब एक पोहरत दबजी फौत। हाला भरसा गोठ भाई खान साहेब जो में खूह खोटण दौरान मिट्टी की भिक किरण के नतीजे में 2 पोहरत दबजी वया। इमरान साहेब जो मुरीद सोलंगी के गणित जोगी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर। मांझंद भरसा पिथर हणी बेदर्दी से कतुल कल नारी वजीरा छछर के वारसन की जीआईटी के एडमिन ऑफिसर फारूक लाखेर से बेएतमादी जाहिर। मकतूलन के वालिद गुल मोहम्मद जो चवण है तो जीआईटी जो ऑफिसर वडेरे के चवण से केस लोहण चाहे तो। जांच वडेरन के बंगलन से वेही कई पी वे मुतासर धुर पारा जांच ऑफिसर तब्दील करण मेडिकल बोर्ड जोड़ जो मुतालबो। खैरपुर नाथन शाह में जवाबदारन पारा भेण के मारण की कोशिश धी के बचाने की कोशिश में माँ कतुल थी वही। रहमतुल्ला कॉलोनी में जवाबदारन अली हसन मलहा ए दिलशाद भेण नसीम ते फायरिंग कई गोलियों लगण सबब संदन माँ गुलनाज मलहा मारजी वही। कंबर भरसा गोठ कजलो मुगेरी वासी 8 महीनों जो उवैस नूरबाह शाख में वींझ से बुड़ी पो लाश हथ न अची सको। नींगर के पी जो चवण है तो उवैस गुजरल नी घर निकतो हो वापस न अचण से गोला कई वही तो संदस चप्पल ए कपड़ा नूरबाह शाख के कपता मिलया लाश की गोला में मदद कई वे। उमरकोट पुलिस गोट पारा गोट सबड़ी में कतुल कल हेमू भील केस के जवाबदार सावण माछी के गिरफ्तार करण की दावा बेन की गिरफ्तारन के लिए छापन जो सिलसिलो जारी। हेमू भील जो कतुल केस जुमन शर साहिब डिनो शर ए सावण माछी खिलाफ दाखिल किया गया। स
सांगर पुलिस के जुड़त मुकाबले में मारजीवल अली हैदर ऊंझो ए सुमार महर जो कत्ल केस दाखिल न थी सको। जदोजहद कमेटी के सर से कत्ल में मुलविस पुलिस अमलदार खिलाफ खिपरो खां लूण खाण तई प्यादल मार्च ए नारेबाजी। अगवाणन जो चवण है तो अदालती हुक्म बावजूद अली हैदर ऊंझो जो कत्ल केस दाखिल न पो वे। सुप्रीम कोर्ट पा मुरादो नोटिस वे। ड्याम साहब भरसां जमड़ाव कैनाल के आरडी 41 वटा लगल घारो वधी 150 फुट थी वयो। सवें एकड़न ते बीठल फसल पानी हेठ इतला बावजूद आपाशी अमलो न पहुतो। गोठाणा पांजी मदद पाण तहत घारो वधण में रुधल। सिंध में लोकराग के अनोखे सिंफ मोरो के पेंे सुरीले आवाज़ जो जादू डींदड़ मशहूर रागी तालिब पालारी लाडाणो करे वयो। थानो बुला खान के गोठ महिंदा पालारी में तालिब मालारी ड्रिघो अरसो बीमार रहने बाद जिंदगी की जंग हाराए वयो। कोहिस्तान में सोग की लहर तालिब पालारी सिंध समेत मुख्तलिफ़ मुल्क में पेंे सुरीले आवाज़ से लखे मानून के मदह बणाए।